उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बौर जलाशय गुलर भोज में पर्यटकों के लिए पैरा सेलिंग बोट संचालन शुरू क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने किया। टिहरी के बाद बौर जलाशय गुलर भोज उत्तराखंड का दूसरा डेस्टिनेशन बन गया है जहां पैरा सेलिंग का संचालन हो रहा है। इसके साथ ही पर्यटक बनाना राइडर, स्पीड बोट, जेट स्काई, डोनट बोट, वाटर स्कूटर के साथ ही पैरा सेलिंग बोट का आनंद उठा सकेंगे। कुछ ही दिनों में उत्तराखंड के गुलार भोज में गोवा जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे व पूर्व सांसद बलराज पासी ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पैरा सेलिंग बोट का भव्य शुभारंभ किया। सर, ये एक पैरा सेलिंग बोट है और इसमें पैरासूट में आदमी ऊपर जाता है, फ्लाई करता है, तो ये एक पैरा सेलिंग बोट है। कितनी देर के लिए कितना चार्ज होगा इसका? सर वैसे तो चार्ज हमने रखा है 3,000 रुपये। अच्छा, और इसकी जो हमारी फ्लाई है वो 10 मिनट की होती है। अच्छा, तो पर्यटन की क्या संभावना देखते हैं? सर बढ़ेगा पर्यटन गुलर भोज में? बिल्कुल बढ़ेगा सर। देखो प्रमोट करने में क्या कितना समय लगता है? वैसे बढ़िया चलेगी, यहाँ पे नई राइड है, बिल्कुल चलेगी यहाँ पे। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये इसमें एक बार में एक आदमी जाता है पैरा सेलिंग में, ऊपर कम से कम 100 मीटर ऊपर जाएगा, ये 15 मिनट की राइड होगी, इसका 2,000 रुपये किराया होगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।